अंदर ये कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर आपका पैशन होता है और एक जुनून होता है जो कि शुरुआत से ही आता है आपके अंदर। मेरी स्कूलिंग डाक पत्थर देहरादून से हुई थी, तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपने टाइम में, तो टेबल टेनिस चैंपियन था स्कूल वाइज, देहरादून चैंपियन था, गढ़वाल रीजन, फिर स्टेट में खेले थे हम लोग जाके, नेशनल कोचिंग ली, फिर उसके बाद में मेरी ग्रेजुएशन हुई रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से, तो वहां पे भी यूनिवर्सिटी चैंपियन वगैरह रहा। हर स्पोर्ट्समैन के अंदर ये रहता है, किलर इंस्टिंक्ट रहती है, नेवर से डाई स्पिरिट रहती है, ना हारने का जज्बा रहता है, हार जीत चलती रहती है जिंदगी में, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि असफलता में ही सफलता को देखना चाहिए, तो जितनी बार भी मैं असफल हुआ तो मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं जरूर सफल हो जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। मैंने इतनी चोट खाई है लाइफ में, इतनी जगह फेल हुआ, फेल तो वास्तव में हुआ, मैं इंटर में फेल हुआ था जब मैं स्पोर्ट्समैन था, तो खेलता रहता था लेकिन फेल हुआ, तो फेल होने में भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गुनाह कर दिया, जैसे आजकल के बच्चे एकदम से होता है कि फेल हो गया, डिप्रेशन में चला गया, मैं क्यों भाई, मैं स्पोर्ट्समैन था, किसी एक चीज में तो अच्छा था ना, मैं फेल कोई बुरी संगति की वजह से नहीं हुआ या मैं एजुकेशन पे टाइम नहीं दे पाया था इस वजह से फेल हुआ, तो ये कुछ रीजनिंग रहती थी। यस, अगर मैं यहाँ फेल हूं तो मैं कहीं फिट भी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इस जगह, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं फिफ्थ क्लास में और सिक्स्थ मेरी रुड़की से हुई थी, तो अब जब ये मेरे वायरल हुए वीडियोस वगैरह, तो सिक्स्थ क्लास का एक फोटो एक हमारे मित्र हैं उन्होंने भेजा, बोले कि ये क्या फोटो आप ही का है, तो यस मेरा था वो, तो मैंने कहा आपका, तो बोले आपके ठीक बराबर में मैं हूं और दोनों अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो आप ये इससे अंदाजा ला सकते हैं कि मैं सिक्स्थ और सेवन्थ में भी जब रुड़की में था तब भी उसको आज की डेट में मेरा चेहरा याद है। एक हमारे एस के जैन अंकल थे, चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, डाक पत्थर में थे, जैसे ही मेरे वीडियो वायरल हुए तो बोले भाई अनूप खन्ना वही हो सकता और कोई नहीं हो सकता, मैं नाइन्थ की बता रहा हूँ। तो ये एक दिन का जज्बा नहीं है, उन्हें इतने सालों बाद 30-40 साल बाद भी उन्हें याद है कि कोई अनूप खन्ना नाम का प्राणी था जो ये हरकतें कर सकता है, जो ये जज्बे के साथ, तो उस टाइम भी मेरा यही जज्बा था और आज भी यही जज्बा है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शायद ये सारा कुछ जो हुआ ये स्पोर्ट्स की वजह से और वो जो था मेरे अंदर उसकी वजह से हुआ। दूसरा, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपने टाइम में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, विनोबा भावे सबकी एक बहुत बढ़िया खूबसूरत ऑटोग्राफ बुक है, उस टाइम ये सेल्फी वगैरह का जमाना नहीं होता था, उस समय ऑटोग्राफ चला करते थे, तो पापा के पास एक बहुत ही खूबसूरत ऑटोग्राफ बुक है और बहुत ही कॉस्टली, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित, नेम एनीथिंग, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज जो INA के फाउंडर मेंबर्स थे उनके भी ऑटोग्राफ्स हैं उसमें। तो पापा के अंदर ये बहुत भावना रहती थी। उसका क्या हुआ कि जब मैंने अपना दवाइयों का बिजनेस, पहले मैं सर्विस में था, उसके बाद में जब दवाइयों का बिजनेस शुरू करा, तो पापा हमेशा ये कहते थे कि दुकान वकान मैं संभाल लूंगा, तू बाकी चीजें देख ले जरा, यहाँ ये हो रहा है, तो एक मोटिवेशन वहां से और एक स्पोर्ट्स का और एक क्लियर इंस्टिंक्ट शुरू से रही कि मैं शुरू से मानता रहा हूं अगर वो नहीं कर रहा तो मैं थक हार के नहीं बैठूंगा। जैसे हमारे आप हैं, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं, फलाना कर दिए, ढिमका कर दिए, क्यों भाई, एक गड्ढा हो गया उसके लिए आप 36 चिट्ठियां लिखते हैं, RWAs में जाते हैं इधर, मेरा अपना फार्मूला ये है, आप नहीं कर रहे तो मैं करके दिखा रहा हूं और आपको फिर उसके बाद में करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, पोस्टमार्टम हाउस था नोएडा के अंदर, तो वहां 72 घंटे पुलिस को डेड बॉडीज रखनी पड़ती है, गर्मियों में वो डिकम्पोज हो जाती है, कीड़े चलने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत गंदी थी। मैंने अथॉरिटी से कहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, बोले देखिए जी ऐसा ही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कराने। मैंने फिर एक डेडलाइन दी, अगर आप नहीं कर रहे तो मैं 2 डेड बॉडी वाला डीप फ्रीजर मैं डोनेट करने जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अनाउंस कर दिया। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ पिछले 25 सालों से, तो उसके माध्यम से 2500 मेडिकल स्टोर है, तो वो भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहती है कि मैं कुछ भी अपना कुछ करना चाहता हूँ तो पीछे से सपोर्ट आ जाती है। कोई जैसे मैं कंबल बांटने जा रहा हूँ, मैंने कहा इस बार सर्दी में कंबल बांटेंगे, किसी ने एक दिया, किसी ने 2 दिया, 500-700 कंबल इकट्ठे हो गए, बांट दिए हमने, बरसात हुई छाते बांटने का मूड है जी, तो सबने किसी ने 2 दिए, 100-150-200 छाते जितने वो सब बांट दिए, मतलब ये सब करते रहते थे हम। मंथली सब्सक्रिप्शन किसी से लिया, 100 रुपये महीना है, मैंने किसी से नहीं लिया, बल्कि उसके बदले कहता हूँ ये तुम्हें देना पड़ेगा। तो पोस्टमार्टम हाउस में भी यही हुआ, जैसे मैंने ये अनाउंस करा तो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि लाइट बहुत जाती है वो तो बेकार हो जाएगा, तो जनरेटर हम देते हैं। एक हमारे मित्र हैं,
अब उनकी डेथ हो गई, आज मेडिकल स्टोर वाले, उन्होंने कहा मोहम्मदंस एंड क्रिश्चियंस की डेड बॉडीज दूर ले जानी होती है तो एक रिक्शा बनानी पड़ेगी, तो 14,000 की रिक्शा बनी। यहाँ एक मैं अनुराग साइकिल स्कूल होता था, उसने कहा कि आप इस काम के लिए ले रहे हैं 7,000 की लूंगा मैं, 50% मेरा भी कंट्रीब्यूशन। फिर एक हमारे मोती कंसल दोस्त है, उनके पास एक एसी पड़ा हुआ था। अब आप देखिए मैंने तो कुछ नहीं करा था ना, मैंने एक जरसा अनाउंसमेंट करा, इतना हो गया। तो मेरा ये कहना कि अगर कुछ हमने करने की कोशिश करी तो लोगों को साथ अपने आप मिलता है। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए आप कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे बिहार में बाढ़ आई थी 2003-04 के अंदर, तो मैं एक ट्रक लेके यहाँ से हम भेज रहे थे, तो हमारे एक मित्र खड़े थे, तो उन्होंने जब ट्रक जा रहा था फोटो खींच रही थी मीडिया के सामने, बोले ये ट्रक जाता भी है या ये वापस आ जाता दिल्ली से घूम के। बहुत अच्छी बात लगी। मैंने कहा इतने ट्रक भेजते हैं लोग, आज फलानी संस्था ने भेजा, आज उद्योग बंधु ने भेजा, इसने भेजा, उसने भेजा, तो लोगों के दिल में रहता कि जाते भी है नहीं। मैंने कहा ट्रक वाले से उसी टाइम पूछा, मैंने कहा कितने दिन में जाओ, कुछ कुछ गब्बर सिंह वाली हालत थी मेरी भी जो जो दिमाग में आ जाता था फौरन करना है। तो मैंने ट्रक वाले से पूछा कितने दिन लगेंगे, बोला 10 दिन के आसपास लगते हैं। मैं जब एक दिन रह जाए तेरा पूर्णिया पहुंचने से पहले तो मुझे बता देना। उसका फोन आया, मैं यहाँ से बागडोगरा गया भाई यार, टैक्सी पकड़ के पूर्णिया पहुंचा। पूर्णिया के आगे एक बनबन की जगह है, मैं वहां पहुंचा। पहले एक दिन पहले पहुंच के मैंने तैयारी करी, वहां मेडिकल स्टोर वालों से मिला, वहां के जो अध्यक्ष जी थे, मैं यहाँ का अध्यक्ष था, अपना कार्ड दिखाया, मैंने कहा सब मेरा कल ऐसे ऐसे एक प्रकार है, आपकी मार्फत भिजवाना चाहते हैं। उन्होंने पूरा इंतजाम कराया, मैंने एक वीडियोग्राफर का इंतजाम करा, पूरी वीडियो बनवाई, सीडी बनवाई, जिस जिस आदमी ने जो जो डोनेशन यहाँ दी थी उनको सीडीज दी, आपका सामान देखिए यहाँ उतरा, ऐसे ऐसे उतरा, उनके साथ जाके हम लोगों ने बांटा। पब्लिक सिखाती है, और दूसरा जुनून वाली बात भी रहती है कि दिल के अंदर यह रहता है कि हमें करना है। जैसे हम उत्तराखंड का हुआ था, 16 तारीख की रात में हुआ था केदारनाथ जो क्लाउड बस्ट हुए थे, तो 17-18 तारीख में पता लगा कि ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा पा रहा है। 19 तारीख को मैंने अपना पोस्ट में डाला कि भाई मैं 20 तारीख को निकल रहा हूँ सवेरे सवेरे, अगर कोई मदद है तो देख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2.5 लाख के करीब हमारे पास आए थे, हम 3 लोग गए थे यहाँ से, एंड लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे श्रीनगर से जो ऋषिकेश के ऊपर, और हम वहां पे जा रहे थे। वो उस स्टेज में हम लोग वहां पहुंचे, सबसे पहले हमने श्रीनगर में ही वहां से प्रशासन से मिलके सामान खरीदा, उन लोगों को वो चीजें मुहैया कराई जो उन लोगों को जरूरत थी, बेचारे आलू पूरी के ऊपर ही गुजारा कर रहे थे उसने, क्योंकि मदद पहुंची नहीं रही थी। हमारे पास कैश था, हमने उनको शैम्पूज भी दिए, हमने उनको मतलब जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी एक अच्छे घरों की। जो फैमिलीज थी, यहाँ मैं एक मिनट बताना चाहूंगा, नदी के किनारे थे उनके, और वहां की बेस्ट लोकेशन मानी जाती थी, 1-1 करोड़ रुपए, 80-80 लाख रुपए के श्रीनगर जैसी जगह पहाड़ में थे, मतलब यहाँ के साउथ एक्स समझ लो आप, या बहुत अच्छी लोकेलिटी, पॉश लोकेलिटी, और वो लोग बेचारे टेंटों में आ गए थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती थी, वो तो कह रहे थे हमें कुछ भी मिल जाए। मैंने कहा नहीं, आपकी च्वाइस का ही देंगे, तो बच्चों के लिए बिस्किट्स और ये सब, मतलब वो चूंकि हमारे पास कैश था हमने दिया, तो कुछ मजा भी आता था कि हाँ यार मतलब कुछ करके आए हैं, और लोगों का फिर इतना विश्वास हो जाता था। अब कभी जैसे मान लो अम्बाला में बाढ़ आई, लोग आ गए बोले खन्ना जी कब जा रहा हूँ, अरे मैंने कहा मुझसे पूछ तो लो यार, धक्का देके भेजोगे यार, तुम लोग जाना ही जाना है, समथिंग लाइक दैट, मतलब इधर कुछ होता नहीं और उधर मेरी तैयारी शुरू। मैंने बताया कि एक दिल के अंदर आग सी शुरू से रही है और मुझे मौके भी मिले हैं, तो जैसे आज भी मौका है तो मैं सोचता हूँ कि इस चीज को और कैसे हम स्प्रेड कर सकते हैं इन चीजों का। जब अन्ना जी ने मूवमेंट शुरू करा था तो मैं ये सारे काम पहले से ही करता आ रहा था, तो जब अन्ना जी यहाँ पे जंतर मंतर में भूख हड़ताल पे बैठे थे, पहले 3 दिन बैठे थे, तो मुझे लगा मुझे भी ये करना चाहिए, तो मैंने अपनी दुकान के आ गई घर से एक वो चटाई सी ले गया था और वहां बैठ गया अपने भूख हड़ताल पे। तो लोग मजाक में कहते थे पहला इंसान है जो अपनी दुकान के आगे खुद ही भूख हड़ताल पे बैठ गया है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं भूख हड़ताल पे बैठा, 3 दिन बाद लगा कि मतलब अंदर से लगा कि हाँ यार ठीक है, लेकिन आपके माध्यम से बड़ा मुश्किल काम होता है भूख हड़ताल पे बैठ मत जाना, आप लोग को बहुत भूख लगती है सारा दिन और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब वो रात के 8 बजे तक दुकान खुलती थी तो 8 बजे हम चले जाते थे, तो सुबह 8 बजे से फिर बैठ जाते थे, तो रात के 8 बजे पहले दिन भूख हड़ताल लगी, तो जूस का एक जरा सा ले आए, बोले आपकी भूख हड़ताल खुलनी है, सामने एक बर्गर वाला था, मैंने कहा ये बर्गर लेके आओ इससे तो भूख हड़ताल खुलेगी नहीं, तो बोले बर्गर से कौन भूख हड़ताल तोड़ता है। मैंने कहा देखो भाई सीधी बात है, मैं जैसा हूं वैसा तुम्हें पता रहना चाहिए, मैं कोई माता रानी का व्रत नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, मैं खाना खाऊंगा बढ़िया करके भाई। तो ये भी एक बड़ी घटना सी बनी थी कि साहब ये भूख हड़ताल थे और इन्होंने बर्गर से अपना करा,
मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जैसा हूं वैसे तुम्हें दिखना चाहिए और वैसे तुम्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, मेरे विचार क्या है ये देखो तुम। मैंने बर्गर से भूख हड़ताल बोली, इससे तुम्हें क्या लेने देना है यार, मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना खाया, खत्म हुई बात। तो मैं शुरू से इन बातों को रहा हूं कि यस आप जैसे हैं वैसे दिखने भी चाहिए। और ये चीजें आगे चल के भी आंदोलन वगैरह जब भी हुए तो उसमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह बननी शुरू हुई तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं मिसफिट हूं, तो मैंने खुद ही रिजाइन करा जब आम आदमी पार्टी वगैरह बनी। इसके साथ में मेरे एक बार एक मित्र ने कहा, हम लोग बैठे हुए थे, कहने लगे अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कहा आपकी परिभाषा में तुम्हें बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए मैंने नोएडा में काम करा है, स्कूल्स के लिए करा है, ये सब अनशन पंचन भी करे हुए हैं, सब कुछ है, तो खड़ा हो जाना चाहिए। तो 2012 के चुनाव थे, तो विधानसभा के चुनाव में हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो सब पत्रकार आते थे, मैंने कहा मैं हारने के लिए खड़ा हूँ। बोले क्यों हारने के लिए, तो पहली बार सुना है कि कोई हारने के लिए खड़ा हो रहा है। मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, 1857 की जब क्रांति हुई थी तब सारे क्रांतिकारियों को पता था कि हम शहीद होंगे, हमें आजादी नहीं मिलेगी, शहीद हुए ना, 100 साल बाद आजादी मिली हमें, तो सेम मेरे साथ है, मुझे पता है मुझे हारना है, मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि कम से कम इस जनता को बता सकें कि गलत तुम हो, तुम अच्छे आदमी को वोट नहीं देते, आप जो जो सोशल वर्क सोच सकते हैं वो सारे मैंने करूंगा। सोचने वाली बात है, पॉलिथीन का था 2007 में हमने उठाया था इस प्रश्न को, थैले बनवाए, ये करा वो करा सब कुछ, और नो फ्यूल डे के नाम से जो ऑड इवन आजकल दिल्ली विल्ली में चल रहा है, हमने 2009-10 में हम लोगों ने करा था कि हम हफ्ते में एक दिन कोई पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करेंगे, अपना जनरेटर नहीं चलाएंगे, समथिंग लाइक दैट, एक कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे। तो पिछले 5 साल से मैं सिर्फ दादी की रसोई में कर रहा हूँ, और उसमें वहां से मैंने सिविक सेंस देने की कोशिश करी है, जो जो मेरे दिल के अंदर अरमा थे ना कि ये करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो सब अब मैंने कहा नहीं। एक एक दादी की रसोई के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा मंच मिला है, मैं 200 मिलियन मेरे व्यूज आ जाते हैं लोगों के, तो इतने फॉलोअर्स भी हो चुके हैं, तो अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो वो जो मैं उस टाइम नहीं कर पाता था आज बड़े आराम से करते भी हैं, यंग बच्चे बहुत आते हैं, उन्हें सिखाता हूँ तो कहते हैं नहीं अंकल हम भी करेंगे, तो ये जो चीजें मेरे दिल के अंदर रह गई थी वो चीजें पूरी करने की कोशिश हो रही है। जैसे मैं वहां खाना जब बांटता हूँ तो कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं कर सकते, बगैर हेलमेट वाला बच्चा आता है नहीं तेरे को नहीं मिलेगा, अब बच्चा जाता है एक ही हेलमेट, आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बार बार आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि यार ये नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है, मैंने कहा चलो इन्हें मैसेज तो जा रहा है ना, अगली बार आएंगे तो इसी तरह से लाइन में लगना जरूरी है, लाइन में लगे वर्षा हो जाता है तो लाइन में लगना है, अच्छा फिर 5 रुपए हाथ में रखने जरूरी है, अगर कोई फिर आके जेब में हाथ डालता है ना मेरे सामने, तो ये सब नहीं। पेट्रोल पंप पे भी तुम लोग यही हरकतें करते हो, जब पूरा पेट्रोल भर जाता है फिर अपना कार्ड वार्ड निकालते हो, अरे तुम्हारे पीछे लाइन लग रही है, तुमने 200 रुपए का या 500 का 1000 का अपने पैसे निकाल के रखो, समय की वैल्यू समझो, तुम्हारे पास समय हो सकता है पीछे वाले के पास नहीं हो सकता, तो ये सारी चीजें वहां सिखाने। गाड़ी आप देखिए, ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इसको जरूर बताना अपने व्यूअर्स को, गाड़ी हम लोग जब पार्किंग में लगाते हैं टेढ़ी लगा देंगे, 3 गाड़ी की पार्किंग खा के निकल जाएंगे जल्दबाजी के चक्कर, अरे आप ऐसे लगाइए कि 2 गाड़ी और भी खड़ी हो सके, जब आप देखते हैं आपको पार्किंग नहीं मिल रही और किसी ने ऐसी लगाई होती है तो आपके दिल में क्या गुजरता है, तमीज नहीं है इसको और उसके बारे में तो मेरा अपना फार्मूला है, ये एक लाइन में जो हर एक बच्चे को कहता हूँ, ऐसा जिंदगी में कोई काम ना करो जिससे दूसरे को दिक्कत हो, पर इस फार्मूले को आप गाड़ी लगा रहे हैं तो इससे दिक्कत होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा देश सुधर जाएगा हर चीज, ये सिविक साइंस का एक बहुत छोटा सा मंत्र है, आप 20 सड़क में थूक रहे हैं आपको लगना चाहिए ये इसकी वजह से दूसरों को दिक्कत होगी, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, सेल्फ एनालिसिस के लिए ऐसा कोई काम ना मत करो जिससे कि मेरी वजह से दूसरों को दिक्कत हो। घोषणा करी तो हमारे पर राशन काफी रहता है, हाँ। महीने 1.5 महीने के करीब का रखना पड़ता है थोड़ा सा, अब अचानक बंद हो गई तो दादी की रसोई बंद करनी पड़ी, और दूसरा मैं केमिस्ट एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट था, तो सबसे बड़ी बात थी कि दवाइयों की दुकानें खोल रही थी,
दवाइयों की दुकानों के लिए पासेज अरेंज करने थे, 2500 मेडिकल स्टोर, उनके पासेज अरेंज करने एक ही दिन के अंदर, एक ही घंटे के अंदर। अगले दिन दवाई कैसे खुलेंगे, दुकानें कैसे खुलेंगे, क्योंकि आपको तो सडनली लॉकडाउन में डाल दिया था। तो फिर मेरी यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बात हुई, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अधिकारी। मैंने उनसे कहा कि आपको हमारे जो पासेस देंगे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ड्रग लाइसेंस की फोटोकॉपी मांगेंगे, हमारी आइडेंटिफिकेशन मांगे। और मैंने कहा अगर ये हम इसी को पास बना देते हैं, जो हमारे ड्रग ऑफिस जो ड्रग लाइसेंस है मेरी दुकान का, उसकी फोटोकॉपी और प्लस हमारा केमिस्ट एसोसिएशन एक सर्टिफिकेट लगा देती कि यस ही इज आवर मेंबर, और वो अपनी आईडी साथ ले ले, तो मेरे ख्याल कर्फ्यू पास हो गया। तो उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक घंटे के अंदर ये सारी समस्या दूर हो गई। तो जितने भी मेडिकल स्टोर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, सबके पास एक स्टिकर हमने मोबाइल पर फटाफट अपने ग्रुप में डालना शुरू करा कि ये लेके अपना ड्रग लाइसेंस की फोटोकॉपी और अपने आईडी लेके अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी दुकानें खोलो फटाफट। फौरन शुरू हो गया। तो दो तीन दिन इन सारे कामों में लगे कि जो माइक्रो इंटीरियर में थे उन सबको भी देने थे। अब 3 दिन बाद ये लगा कि ये जो राशन पड़ा हुआ है ये सब स्मूथ हो गया, दवाइयां जो है। अच्छा, फिर होम डिलीवरी के लिए भी लड़के जाते थे मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह पे, तो उनके लिए फिर दुकानदार ने, एक तो हमारा केमिस्ट एसोसिएशन का था और एक उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट बना दिया था कि यस ही इज आवर एम्प्लॉय, तो वो सब कुछ स्मूथ हो गया। तो 3 दिन के अंदर पूरे नोएडा के अंदर, मेरे ख्याल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ का प्रशासन ने बहुत अच्छा योगदान करा था कि 3 दिन के अंदर बिल्कुल स्मूथ हो गया, किसी को हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई लाइन में नहीं लगा और सबके वापस आ गए थे। तो उसके बाद में हमने देखा कि जो राशन पड़ा हुआ है तो चूहे हुए खा जाएंगे या घुन लग जाएगा, अब करा क्या जाए। तो पासेज हमारे पास थे ही घूमने फिरने के लिए दवाइयों वाले, इमरजेंसी सर्विस का। तो मैंने फिर अपने लड़कों से कहा, मैंने कहा इसके पैकेट बनाने शुरू करो भाई, 3.5 किलो आटा डालो, उसमें आधा किलो दाल आधा किलो चावल, बांटने शुरू करते हैं। तो जितने कुक वुक थे हमारे पास, स्टाफ रहता है, सबको बुला के बनाया। तो 100 पैकेट के करीब बने पहले दिन। तो भाई 1.5 घंटा 2 घंटा क्यों बांटने के लिए भी टाइम, अच्छा कोविड का टाइम, अब सबने डरा भी रखा था कि बाहर इन्फेक्शन होने का डर है। और चलो अच्छा था, 65 साल मेरी 62 साल 63 साल उम्र है, तो मैं 3 साल कम था तो मैं अफोर्ड कर सकता था। बच्चों भी कहते थे पापा सबको मना कर रखा है, आप घूम रहे हैं, मैंने यार 65 के ऊपर मना है, 62 वाले को नहीं है, अरे पापा 60 के ऊपर होता है। चलो वो एक निकलना तो है, निकल नहीं है, कोई था नहीं यहाँ पर, बच्चे अच्छे तो बाहर थे, मेरा बेटा हांगकॉन्ग में सेटल्ड है, बेटी मेरी हैदराबाद में है मीडिया में, तो ब्यूरो चीफ है। तो वहां से फोन आते थे पापा कुछ हो गया तो हम तो देखने भी नहीं आ सकते कुछ नहीं, मैंने कहा यार कुछ नहीं होगा भगवान की तरह। एनीवे तो हमने पैकेट बनवाते थे अपने और डेली निकलना शुरू करा और अपने फेसबुक पे अपलोड कर देना। अब लोगों ने देखा, किसी ने 100 किलो आटा भिजवा दिया, किसी ने कुछ भिजवा दिया, किसी ने कुछ भी। तो वो जो मैं अपना आटा वाटा दाल वाल खत्म करने के लिए करा था वो फिर भर गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इतना ज्यादा भर गया कि मैं फुर्सती नहीं होती थी, फिर बाकायदा स्टाफ को बुलाना पड़ा, रोज के 150 से 200 पैकेट बनते थे। हमने एक बहुत अच्छा काम करा, जो होता है ना लूट मस्ती है, फलाना होता है, धमाका होता है, आपने देखा कि एक एक आदमी, हमने 15-20 लोकेशन सेट कर ली थी अपनी, उन्हें हर हफ्ते 10 दिन में रिपीट करते रहते थे कि हमने ये सामान दिया। तो इवन इतनी जानकारी हो गई थी फलाना घर से फलाना आदमी आएगा और दो बार नहीं लेगा, मतलब आपस में भी पहचान गए थे। और उन सबको भी कह दिया था अगर चाहिए तो दूर दूर खड़े होना पड़ेगा, भगदड़ जिसने मचा मैं कल से आना बंद कर दूंगा। तो आप वहां पे भी डिसिप्लिन बहुत काम करा। कोविड के टाइम में मैंने कहा देखो हम मुझे भी खतरा है इनको भी, और अगर आप लोग बिल्कुल मिलजुल के आएंगे यहाँ पर हम नहीं दे पाएंगे। 2-4 लोकेशन ऐसी थी जिसमें भीड़ लग गई, हमारी गाड़ी भी टूटने लग गई, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के शीशा चढ़ाया वहां से निकल आया। मैंने कहा नहीं गया, वहां गए नहीं हम दोबारा। जिस जगह लंबी लंबी 2-2 फीट 3-3 फीट की दूरी पे लोग खड़े होते थे, एक एक करके आओ सबको मिलेगा सामान, खत्म हो जाएगा दोबारा लेके आऊंगा, उनको ये फीलिंग भी दी और बार बार करके भी दिखाया। तो स्मूथली चला वो, काफी राशन वगैरह हमने उस टाइम बांटा। फिर जब ये दोबारा से शुरू हुआ दादी की रसोई का, जब गवर्नमेंट ने अलाउ करा होटल्स वगैरह, फिर शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब ऐसा भी है ना, खाली बैठा भी तो नहीं जाता ना, जब सारा दिन बिजी रहने की आदत पड़ जाती है तो क्या करे आदमी। तो ये भी था। फिर बीच में जब कोविड का बहुत ज्यादा जोर हो गया था तो सबने फेसबुक पे मेरे लिए लिखना शुरू करा, अंकल आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने पीपी किट लेके एक आध दिन तो मैंने पहनी थी, फिर मेरी दुकान के लड़कों ने कहा अंकल आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम बाटा करेंगे, आप गाड़ी में बैठे रहिए बस। तो गाड़ी में ड्राइव करके ले जाता था, बांटते वो लोग थे पीपी किट पहन के,
फिर मेरे लड़कों ने भी और सबने मना करा कि आपको नहीं जाना चाहिए, ये भी 1.5-2 महीने बाद की बात है, चलो इतना मान लेते हैं, लेकिन काम स्मूथली चलना चाहिए। तो इस तरह से कोविड के टाइम में भी लगातार लगे, और ऊपर वाले की नजर सीधी रही कि वो उस टाइम कोई ऐसा नहीं हुआ, और लोगों का फायदा कुछ ना कुछ उस टाइम भी कोशिश करी कि घर बैठे उन लोगों को मिलना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल कहा था कि मुझे कोई सा भी 3 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाए जिसमें 4 पुलिस वाले हों, क्योंकि मैं कंट्रोल करूंगा, तुझे कहीं का दरोगा लग रहा क्या, तू कैसे कह रहा मुझसे, तो इसका जवाब देने के लिए एक दरोगा साथ में होना जरूरी है, और ये हो चुका है मेरे साथ। एक बार कंट्रोल करा रहा था, उसने कहा तू कहीं का दरोगा है, नहीं जी, तो काय को कह रहे हैं इससे, मैंने कहा भाई सब गलती हो गई। तो एक दरोगा साथ में, 4 पुलिस वाले दे दिए, और मैं दिखाता हूँ कि ये साहब आइडियल ट्रैफिक जोन कैसे बनेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने बताया कि आप पैसे के चालान मत करिए किसी को, पैसे का चालान तो बड़ा इजी चालान है। हमारे स्कूल्स में क्या होता था, कान पकड़ के बाहर खड़ा कर देते थे टीचर, हमारे मैथ्स के टीचर होते थे, मेरी मैथ्स में डिस्टिंक्शन आई थी, उसमें जरूर पढ़ के जाना पड़ता था, इंग्लिश वाला दो बैत मारता था, उसकी बैत खा लेते, उसमें फेल हो गया था मैं। तो कहने का मकसद ये कि वो तो बैत तो चुपचाप खाई, कान पकड़ के बाहर खड़ा होना पड़ता था, तो उसमें पढ़ाना पड़ता था। आप जिसने ट्रैफिक को डेविएट करा, जिसने रेड लाइट जंप करी, तो आप एक टेंट लगा दिए वहां, अपने खाने पीने का इंतजाम मैं रखूंगा, कैंपा शैंपा ये वो बर्गर फर्गर सब होगा, भाई साहब यहाँ बैठिए आप। अब आप निकली उधर से, आपने देखा खन्ना साहब वहां बैठे हैं, आपका फोन आया, खन्ना साहब रेड लाइट जंप कर दिया। खन्ना साहब जिंदगी में दोबारा रेड लाइट जंप नहीं करेंगे। 1 घंटे बाद उसको चाबी दे दी जाए, 1 घंटे की पेनल्टी, आपको कोई जेल नहीं, कोई फेल नहीं, कोई पैसे नहीं लगने, आपको यहाँ बैठना है बस, और बगैर आराम से। आप चाहें तो हमारी ट्रैफिक की वेबसाइट देख सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं, बंदा 1 घंटे बाद में जिंदगी में कभी आप रेड लाइट को दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब, एजुकेट करिए आप, पेनल्टी देना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी जगह। तो ऑन दोज लाइन्स मैंने हमेशा कहा है कि आप किसी को, आपने कहा 5,000 का चालान कर देंगे, फलाना कर देंगे, इस तरह के मॉडल्स हैं मेरे पास जो कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर ये मेरा एक सपना है जिसे मैं कभी ना कभी आने वाले टाइम में जरूर पूरा करूंगा, अलोंग विद ट्रैफिक पुलिसमैन, कि अगर हम इसको कर पाए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये एक मॉडल बनना चाहिए, बॉम्बे में भी हो, दिल्ली में भी हो, गुजरात में भी, सब जगह की, हर शहर के अंदर देखिए आइडल ट्रैफिक जोन यहाँ है, बाएं चलना है, रिक्शा वाला यहाँ चलेगा, स्कूटर वाला यहाँ चलेगा, लेन ड्राइविंग क्या होती है। अब आप बताइए, लेन ड्राइविंग होती ही नहीं हमारे यहाँ, हॉर्न पे हॉर्न बजाना पड़ता है आदमी को। तो ये सारी चीजें उन 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के एरिया में हम लोग, ये एक छोटा सा, और जैसे मैंने बताया कि अगर इसको भी कोई करने वाला मिल गया तो बहुत सारे काम है इंडिया में करने के लिए सोशल वर्क, और भगवान ने चाहा तो 10-15 साल अभी और मेहनत हो सकती है, तो उसमें जितना ज्यादा सोशली हम एक्टिव हो सके, ये एक सपना है जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ना कुछ तो देके जाए, कुछ अपने विचार। और मैं अपनी एज ग्रुप वालों से कहता हूँ कि हम पार्क में बैठ के अपना समय ना खराब करो, आप मेरी उम्र में आएंगे तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, वो आप क्यों पार्क में खराब कर रहे हो, क्यों। आज मेरे पास 60-62 साल में मैंने कुछ तो एक्सपीरियंस लिया जो कि मुझे शेयर करना चाहिए, जो मैं कर भी रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये यंग बच्चों के काम आए, ये बहुत बड़ी पूंजी है।